हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम ईवीएस का 22 चैप्टर करेंगे जिसका नाम हु फुलफिल्स और नीड्स। ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियोस पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पहला क्या। देखो आपको आंसर इन ब्रीफ, इसमें देखो फर्स्ट क्या है, इफ़ यू डू नॉट फार्म द लैंड इन आवर कंट्री व्हाट विल हैपन। मतलब बच्चों, अगर हम अपने देश में जो खेत है ये सब की जुताई नहीं करें, ये सब में अगर हम अनाज नहीं बोए तो इससे क्या होएगा। आंसर क्या है, इफ़ यू डू नॉट फार्म द लैंड इन आवर कंट्री पीपल विल नॉट गेट फूड टू ईट, इंडस्ट्रीज विल नॉट गेट रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग। मतलब बच्चों, अगर हम अपने देश में खेत ये सब में अनाज ये सब नहीं बोएंगे, ये सब नहीं उगाएंगे तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा, और जो भी इंडस्ट्री है यहाँ पे उनको सामान नहीं मिलेगा कुछ बनाने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या, व्हाट आर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन योर लोकेलिटी। मतलब बच्चों, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे लोगों का पेशा क्या है, लोगों लोग क्या काम करते हैं। आपका आंसर क्या है, इन माय लोकेलिटी सम पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग मोस्ट। मतलब बच्चों देखो, इन माय लोकेलिटी सम पीपल आर एंगेज इन फार्मिंग, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कुछ लोग खेती करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर वर्क इन ऑफिसेस। मतलब बच्चों की बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करने जाते हैं, बैंक्स एंड हॉस्पिटल। मतलब बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करने जाते हैं, बैंक में और हॉस्पिटल में काम करते हैं। सम पीपल हैव देयर ओन बिजनेस, और कुछ लोगों का खुद का बिजनेस है। ठीक है, आगे देखो क्या है आपको थर्ड में। यहाँ पे देखो थर्ड में क्या है, गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्री। मतलब बच्चों आपको तीन इंडस्ट्री के एग्जाम्पल देने हैं जहाँ पे सामान बनते हैं। ठीक है, आंसर क्या, थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्री क्या है, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री जहाँ पे शुगर ये सब बनती है, शक्कर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप बोल सकते हो जहाँ पे कपड़े ये सब बनते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब बच्चों जहाँ पे गाड़ियाँ ये सब बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखो आपको क्या है बी में। बी में आपको राइट द मिसिंग लिंक। मतलब बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इसमें बीच में जहाँ पे भी आपको खाली जगह है वहाँ पे आपको भरना है। देखो पहला क्या, कॉटन, कॉटन है आपको देखो, फिर यहाँ पे डैश दिया उसके बाद टेक्सटाइल है। तो देखो उससे पहले क्या, टेक्सटाइल मतलब बच्चों कपड़ा ये सब बनने से पहले क्या होता है, मेकिंग थ्रेड्स मतलब बच्चों धागा बनता है। ठीक है, कॉटन मतलब क्या होता है, कापूस। ठीक है, सेकंड है आपको देखो डैश है उसके आगे क्या रहेगा, फ्रूट प्रोसेसिंग जैम जेली। मतलब बच्चों जो फ्रूट का प्रोसेसिंग होता है उससे कुछ बनाते हैं, फिर जैम जेली बनते हैं, उससे पहले क्या रहेगा, फ्रूट्स रहेगा मतलब फल। ठीक है, थर्ड है आपको आयरन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब बच्चों लोहा, और वो जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है वहाँ पे जाएगा, तो उसके बाद क्या होएगा, मोटर कार मतलब गाड़ी बनेगी उसके बाद, तो यहाँ पे आपको मोटर कार लिखना है। ठीक है, आगे देखो आपको क्या है सी में, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली जगहों को भरना है। पहला क्या है, केन वर्क इज अ डैश इंडस्ट्री, आपका आंसर क्या रहेगा, कॉटेज। ठीक है, सेकंड है आपका शुगर इंडस्ट्री इज अ डैश इंडस्ट्री, आपका आंसर रहेगा लार्ज। मतलब बच्चों जो शुगर इंडस्ट्री होती है जहाँ पे शक्कर बनती है, जहाँ पे चीनी बनती है, वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो अभी आपको थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको मैच बॉक्सेज आर प्रोड्यूस्ड एट अंबरनाथ, आपका आंसर है मैच बॉक्सेस। मतलब बच्चों जो माचिस की डिब्बियाँ रहती है इसको अंबरनाथ में बनाया जाता है। ठीक है, आपको देखो फोर्थ क्या, मुरबाड इज फेमस फॉर मिल्क प्रोजेक्ट, आपका आंसर है मुरबाद। मतलब जो मुरबाद जो है वो जो मिल्क प्रोजेक्ट है ये सब के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पे दूध का जो भी सामान बनता है वो सब यहाँ पे बनता है। ओके, आगे देखो आपको डी में क्या दिया है, डी में है आपको ट्रू ऑफ फॉल्स, मतलब सही या गलत आपको बताना है। पहले क्या है, देखो मेकिंग फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड इन इंडस्ट्री। मतलब बच्चों कि एक सामान बनाना बहुत सारे सामान को मिलाकर उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ये ट्रू है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे रहता है इंडस्ट्री में क्या होता है, अभी समझ लो आपको कपड़ा है, कपड़े में आपके देखो धागे लगते हैं, कलर लगते हैं, बटन लगते हैं, तो ये सबसे एक प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक आपका कपड़ा बनता है, तो उसको ही हम इंडस्ट्री बोलते हैं। सेकंड क्या, देखो बिग मशीन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब बच्चों बड़ी बड़ी मशीनें हमें जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं वहाँ पे नहीं लगते हैं, तो फॉल्स है बच्चों। जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतनी बड़ी मशीन हमें, मतलब वहाँ पे उतनी बड़ी नहीं, अब जो मतलब बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, तो ये फॉल्स है, गलत हो गया, छोटी मशीन से काम नहीं हो पाता, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स लगती है। थर्ड क्या, देखो मेकिंग पॉट्स फ्रॉम क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब बच्चों कि क्ले से एक पॉट बनाना, मतलब आप बोल सकते हो एक मटका बनाना, ये बहुत एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम होता है, ये फॉल्स है बच्चों, गलत है, तो छोटी मोटी इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे मटका ये सब बनाया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्या, देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
मतलब बच्चों की गाड़ियाँ ये सब बनाना इस ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी जो कारखाना आप बोल सकते हो, कारखाना ये बहुत बड़ा जो है उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये ट्रू है बच्चों, कार ये सब गाड़ी जो है तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में बनते हैं। ठीक है, आगे चलो देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड, मतलब एक शब्द में आपको आंसर देना है। पहले क्या देखो, द मेन रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब बच्चों जहाँ पे कपड़े ये सब बनते हैं, यहाँ पे मेन सबसे चीज़ क्या रहती है, कॉटन रहता है। ठीक है, कापूस मतलब। सेकंड क्या है, द मेन रॉ मटेरियल इन बेकरी इंडस्ट्री, मतलब बच्चों जो मेन मटेरियल रहता है बेकरी, जहाँ पे पाव ब्रेड केक ये सब बनता है, तो वहाँ पे मेन मटेरियल क्या रहता है, मैदा। ठीक है बच्चों, आपको मैदा लिखना है। थर्ड क्या है, द मेन रॉ मटेरियल इन जूस इंडस्ट्री, मतलब बच्चों जो जूस की इंडस्ट्री जहाँ पे रस ये सब बनता है, उसमें सब मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वहाँ पे मेन रॉ मटेरियल क्या है, आपका आंसर होगा फ्रूट्स मतलब फल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।